हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन। सूजी का बेसन का ढोकला तो सबने खाया है, लेकिन आज जो ढोकला हम लोग बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम लोग मूंग की दाल का ढोकला बनाएंगे, जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी होता है। इसका थोड़ा प्रिपरेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके लिए मैंने इस कप से 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मूंग की दाल धो कर के ले ली है, और 1 कप भर कर मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद इसे अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये 1 कप में पूरे अच्छे तरीके से पूरे मूंग के दाल इसमें भीग चुके हैं। मूंग का दाल जितना है उससे थोड़ा ही कम दही को रखना है। अब इस दाल को इस तरह ही हम लोग ढक करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि मूंग की दाल अच्छे से फूल जाए। उसके बाद हम इसे ग्राइंडर में डाल करके पीस लेंगे। तो चलिए इसे ढक करके रख देते हैं। ये मैंने मूंग की दाल को पीस लिया है, 2 मिर्च डाल करके मैंने इसे ग्राइंडर में पीस लिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, फाइनली ग्रेट कर लिया है। ये बारीक कटी हुई धनिया, कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये मैंने ज़ीरा लिया है। इसे मैं हाथों से यूँ क्रश करके इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक भी ऐड हो गया। ये मेरा ढोकला पैन है, इसे मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल या घी से, बटर से, जिससे भी आप चाहें इसे ग्रीस कर लें। ये ग्रीस हो गया है। एकदम लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 सैचेट इनो का फ्रूट सॉल्ट है ये। कोई सा भी फ्रूट सॉल्ट 1 पाउच आप ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करना है। विग्रसली मिक्स नहीं करना है, धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बबल्स उठने लगे हैं। स्टीमर मेरा तैयार है, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे अपने इस डोसा पैन में इस बैटर को ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से टैप करेंगे, और अब हम इसे अपने स्टीमर में डाल करके 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। इन द मीन वाइल हम लोग तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए एक किसी भी तड़का पैन या कटोरी में मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। ऑयल के गर्म होने पे हम इसमें ऐड करेंगे राई। राई के चटकते ही हम इसमें लाल मिर्च, आप चाहें तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च या लाल मिर्च, करी पत्ता ऐड करेंगे। इसे ढक के 30 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है और 4 से 5 चम्मच चीनी ले ली है मैंने। ये खोलते ही इसमें हम ये 1 कप पानी ऐड करेंगे इस तरीके से, और ये चीनी, ये ऐड करके हम इसे ढककर छोड़ देंगे ताकि चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए। गैस बंद कर देंगे। हमारा तड़का तैयार है।
ये देखिए 20 मिनट हो गया है और ढोकला बिल्कुल तैयार हो गया है। ढोकले को चेक करने के लिए हम कोई भी नाइफ फोर्क कुछ भी इसके अंदर यूँ डाल करके देखेंगे और ये जब बिल्कुल क्लियर निकल आएगा इसका मतलब कि ढोकला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल करके काट लेंगे। ये देखिए ढोकला तैयार है, मैंने उसको काट लिया है पीसेस में। अब हम ये अपना पानी, तड़के का जो हमने पानी तैयार किया है वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। ये पूरा पानी डालना है और ये ढोकला सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। ये ढोकला दही होने की वजह से खट्टा, नमक होने की वजह से नमकीन और ये शुगर सिरप डालने की वजह से मीठा भी लगेगा। ये देखिए इस ढोकले सारा पानी इसमें अब्जॉर्ब हो गया है और देखिए ये ढोकला कितना सॉफ्ट है। ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ढोकला रेडी है।